Hello, my dear students. Welcome to my class, Volume 3. Hello, Elkins. Hello, Erins. Volume 2 में हमने जो किया था वो still it is on the board. देखो हमने यहाँ तक किया था stereochemistry हम लोगों ने करा था. And I told you कि दो reactions हमारी अभी बची हुई हैं इसकी. Well, Hello, Elkins की जो next chemical reaction है that is reaction with metals. हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा, अब हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स. सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद सोडियम. जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन वी गेट हायर एल्केन. आई हैव टोल्ड यू कि सोडियम का हेलोजन के टूवर्ड्स कुछ ज्यादा ही अफेक्शन होता है. इट विल रन अवे विद दिस क्लोरीन. तो ये दो CH3 क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे. सो यू विल गेट हायर एल्केन CH3 प्लस 2NaCl. व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन वी गेट हायर एल्केन. हायर एल्केन क्यों बोला, बिकॉज हियर वी हैव टेकन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन और यहाँ पे हमारे दो मॉलिक्यूल कंबाइन, दो एटम्स कंबाइन कर जाएंगे. सी CH3Cl, वन कार्बन टू कार्बन. इसे कहते हैं असेंडिंग ऑफ सीरीज. जब प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या रिएक्टेंट से ज्यादा होती है देन वी कॉल इट असेंडिंग ऑफ सीरीज. असेंडिंग ऑफ सीरीज, राइट. और इस रिएक्शन का नेम है वुड्स रिएक्शन. इसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, राइट. इस रिएक्शन की एक और खास बात बताती हूँ. सी मान लो हम 2-chloropropane को सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं. आपको पता है जिस जगह पर हेलोजन लगा होता है ना, डबलिंग वहीं से होती है. मींस आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला. मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि जहां से क्लोरीन हेलोजन लगा होगा ये बॉन्ड वहीं पे ही कंबाइन करेगा आपस में, राइट. तो आपको मिलेगा 2,3-dimethylbutane और प्लस 2NaCl मिलेंगे. ओके. एक आपकी एनसीईआरटी की बात में क्वेश्चन है कि हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला, वुड्स रिएक्शन में हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला. तो क्वेश्चन था एल्काइल हैलाइड हमने कौन सा लिया होगा. वुड्स रिएक्शन का मतलब है सोडियम और ड्राई ईथर तो लिया ही है, रिएक्टेंट में क्या लिया है. इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट में डबलिंग हो रही है. देखो किस जगह से डबलिंग हुई है, इस जगह से, राइट. इस जगह से तोड़ो, इसको दूर करो, इसका मतलब हमने रिएक्टेंट ये वाला लिया होगा, राइट. तो यानी कि 2-chloro, इसे हम कहेंगे, ये देखो 2-chloro-2-methylpropane रिएक्टेंट है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा. वुड्स रिएक्शन में रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रोडक्ट दिया होगा और आपसे रिएक्टेंट पूछा होगा, राइट. और अगर हम दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले तो सपोज मैंने क्लोरोमीथेन ले लिया, एक मैंने क्लोरोइथेन ले लिया, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अब क्या बनेगा, ये इससे कंबाइन कर जाएगा, राइट. बट ये अपनी डबलिंग भी तो करेगा, ये भी अपनी डबलिंग करेगा. मींस आपको ये दो प्रोडक्ट्स भी साथ में मिलेंगे. वेल, जब हम टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स वुड्स रिएक्शन में लेते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे. एंड मोर ओवर आप इसमें जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो वाला कंपाउंड तो बना सकते हो प्योर, लेकिन ऑड नंबर वाला आप प्योर नहीं बना सकते. मुझे अगर प्रोपेन बनाना हो वुड्स रिएक्शन से तो मैं प्योर नहीं बना सकती, मेरे साथ में दो प्रोडक्ट और बनेंगे, राइट. सो वुड्स रिएक्शन की दो लिमिटेशन है. फर्स्ट लिमिटेशन, हम वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते और ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग जो हमारा एल्केन है वो भी हम प्योर स्टेट में नहीं बना सकते. तो ये दो इसकी मेन ड्रॉबैक्स है. ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, राइट. सोडियम ने क्या किया था, हेलोजन को भगा के ले गया, एल्काइल को बोलता है तुम अपने आप दोस्ती कर लो. अब मैग्नीशियम क्या करेगा, सी सपोज हमने CH3Cl लिया प्लस मैग्नीशियम डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. व्हाई ड्राई ईथर, फर्स्ट की ये सॉल्युबल हो जाते हैं, दूसरा वाटर नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि वाटर के साथ मेटल रिएक्शन कर जाएगा. तो मैग्नीशियम और ये हमने लिया, मैग्नीशियम
बहुत अच्छा बच्चा है, CH3Cl को दूर करेगा, बीच में खुद आ जाएगा, दोनों के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, यानी कि CH3MgCl। ये देखो, इन दोनों को अलग किया और बीच में दोनों का हाथ पकड़ लिया। सो CH3MgCl, इसी को हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट, राइट? आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ग्रिगनार्ड रीजेंट बनाते वक्त एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर आपकी इस रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट होगा तो जो ये है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करके मीथेन बना देगा, इसको बोलेगा तू मेरा मॉलिक्यूल छोड़ के जा और वाटर का एच पकड़ ले, राइट? और वाटर दो पार्ट्स का बना होता है ना, ये देखो, एच को तो ये ले गया और MgCl जो है ये OH को ले जाएगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट द कंडीशन शुड बी एनहाइड्रस। व्हाई? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्रिगनार्ड रीजेंट विल मेक द एल्केन। दिस इज द आंसर। ओके, अब थर्ड है रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम क्लेवर है, क्या करेगा ये देख लो। CH3Cl में आपने लिथियम डाला, लिथियम क्या करेगा, दोनों की दोस्ती तुड़वा देगा और खुद दोनों के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लेगा। देखो, तीनों का कितना अलग अलग स्टाइल है। सोडियम उसका क्लोरीन लेके बोलता है बाय बाय, तुम आपस में कंबाइन कर जाओ। मैग्नीशियम ने दोनों से दोस्ती कर ली, लिथियम ने दोनों को तोड़ के दोनों के साथ अलग अलग अपनी दोस्ती कर ली और आपको ये मिलेगा एल्काइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, राइट? दीज वर द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एल्काइल हैलाइड। अब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड ये वॉल्यूम 2 नहीं है, 3 है, इसको भी हम बदल लेते हैं ऊपर से। वेल, रिएक्शन विद मेटल्स हो गई और तीसरी रिएक्शन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए। थर्ड मेन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, बाहर निकाल दो। किसको? हाइड्रोजन को और हेलोजन को। एशन का मतलब होता है प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन हैलाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl। अब इसका बिजनेस हमारी केमिस्ट्री में कौन करता है? हर एक अपना बिजनेस है हमारी केमिस्ट्री में, KOH करता है। बट KOH ने तो एल्कोहल बनाया था, यस, दैट वॉज डिजॉल्व इन वॉटर, और यहाँ पे KOH को हम एल्कोहल में डिजोल्व करेंगे, राइट? एल्कोहल में KOH को डिजोल्व करो, इसका Cl जाएगा और पड़ोसी का H जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में एल्कीन बना लेंगे और Cl K उड़ा के ले जाएगा और H को OH उड़ा के ले जाएगा। ये आपके दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, सो CH3CH2 मतलब 2 क्लोरो ले लो, एल्कोहलिक KOH, तो आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस दो प्रोडक्ट्स और मिलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राइट, अब हमने इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दिया, राइट? अब ये हेलोजन जाएगा और पड़ोसी का एच जाएगा, बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इट हैज 2 पड़ोसी, दो नेबर है इसके, एक नेबर ये है, एक नेबर ये है, तो अब क्या करेंगे, दोनों नेबर से भगा के ले जाएगा। व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 एल्कीन्स, तो देखो क्या होता है, अगर इस पड़ोसी का एच भगा के ले जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और अगर इस पड़ोसी का एच भगा के ले जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे? नो, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वो मेजर बनता है और दूसरा माइनर बनेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड क्या है? देखो, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जिसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ होगा ना, ज्यादा डीप सीटेड होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर। और सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग क्या है? जिन दो कार्बन्स पे डबल बॉन्ड लगा है, अगर उनके ऊपर एल्काइल लगे होंगे, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं,
इस एल्कीन में दो सब्सिट्यूएंट है, एक ये और एक ये, इन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर तो कोई सब्सिट्यूएंट है ही नहीं, सिर्फ इधर है, तो इसमें एक सब्सिट्यूएंट है, इसमें दो सब्सिट्यूएंट है, तो हाईली सब्सिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर। इस रूल को कहते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू एल्कीन्स ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एनी एल्काइलाइड देन हाईली सब्सिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। दिस वॉज गिवन बाई जेड सेफ, जेड से स्टार्ट है उसकी स्पेलिंग, ZCEF ने दिया था एंड वी कॉल इट ZCEF रूल, राइट। हाईली सब्सिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दूसरा वाला माइनर बनेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक एग्जाम्पल मैं और कोट कर देती हूँ आपके सामने, इसका नेम है वन आयडो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें हम लोग एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, ठीक है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे पता चलता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उस कार्बन को सर्कल करो, कर दिया, इसका एक पड़ोसी ये है, एक पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी ये है, यहां पर CH2 है, हमें सबको पता है कि CH2 अंडरस्टूड होता है, तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तीन प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहां आएंगे, यहां आए, बात तो एक ही है, तो इसको हम एक ही मान लेते हैं। तो इसकी अगर हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो हमें ये तो जाएगा ही जाएगा, प्लस इस पड़ोसी का H गया तो हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड, और अगर इसका H नहीं जाता, इसका जाता है तो हमें मिलेगा ये वाला एल्कीन, राइट। मेजर कौन बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब हमने एक्वस KOH डाला था CH3CH2Cl में, तो Cl हटके OH आ गया था, और जब इसी में हम लोग एल्कोहल में घुला हुआ KOH डालते हैं तो दोनों पड़ोसियों का एक एक एटम गायब हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एक्वस KOH शोज सब्सिट्यूशन बट एल्कोहलिक KOH शोज एलिमिनेशन। देखो जो KOH है ना, ये K+ और OH में टूटता है, OH ना बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक का मतलब होता है ये H को भगा के ले जाना चाहता है, ठीक है, हमने KOH को वाटर में डाला, OH जो है बोलता है मैं H को भगा के ले जाऊंगा, वाटर कहता है कैसे भगा के ले जाएगा, देख तेरे को मैंने चारों तरफ से घेर लिया है। जब कोई आयोन चारों तरफ से पानी से घेर लिया जाता है उसे हम कहते हैं उसकी हाइड्रेशन हो गई है, यानी कि हाइड्रेटेड हो गया है। वाटर की प्रेजेंस से OH का बेसिक कैरेक्टर लॉस्ट हो जाता है, इसका बेसिक कैरेक्टर लॉस्ट हो जाएगा ड्यू टू इट इज हेविली हाइड्रेटेड। बट एल्कोहलिक KOH में OH होता है, ये एल्कोहल है, जो एल्कोहल का OH है ना ये बोलता है मैं भी यही काम करता हूं भगाने का, चल हम दोनों मिलके एलिमिनेशन करेंगे। तो एल्कोहलिक KOH में OH का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो रह जाता है, यानी कि रिटेन हो जाता है, और इसीलिए इसमें ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करेगा और उसमें क्या शो करेगा, सब्सिट्यूशन शो करेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, सो यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। वेल नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, राइट। पहली बात, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, मैं बता चुकी हूँ सेकेंड वॉल्यूम में, बिकॉज जो डबल बॉन्ड है वो डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना ड्यू टू रेजोनेंस, तो फिर ये शो क्या करेगा, ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेट अस सी, देखो मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्लोरोबेंजीन का, सबसे पहले मैंने इसमें क्या डाला,
क्लोरीन और AlCl3, राइट, और ये मैंने एनहाइड्रस लिया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्लोरीन कहाँ आएगा इसके ऊपर? इसको समझने के लिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दोबारा से लिखते हैं। इसने जो प्लस आर इफेक्ट शो करा था उसको आप ध्यान से देखो, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ये मेरे सेकेंड वॉल्यूम में मैंने बनाई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सी केयरफुली कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे जाएगा लाइक दिस, फिर ये इधर से ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा लाइक दिस, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे इंडिकेट हो रहा है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है आप जो भी रिएक्शन करोगे और जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो वो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, ओके, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस केस में हमें मिलेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस एक पैरा वाला मिलेगा, ये रहा, और ये मेजर बनता है, क्यों? क्योंकि इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, दूर दूर होते हैं ना, इसलिए ज्यादा बनता है, ओके। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन का नेम है हेलोजिनेशन। अब मैं इसमें नाइट्रेशन करूंगी, नाइट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। और आपको नाइट्रेशन का मतलब होता है कि नाइट्रो ग्रुप विल मेक एन एंट्री, ये देखो Cl है, एक NO2 यहां आएगा, एक पैरा पे आएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये थोड़ा ज्यादा बनेगा बिकॉज स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे नाइट्रेशन तो इसने करनी है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 को बोलता है अपना OH मुझे दे, ठीक है, इसका OH ले लेता है और इसका OH लेके NO2+ को बनाने में हेल्प करता है। तो हेल्प ना करे तो क्या अपने आप नहीं निकलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यू नो नाइट्रिक एसिड के दो फेवरेट काम और हैं, एक तो इसका काम है बॉन्ड की तोड़फोड़ करना, वो करेगा, दूसरा काम है जिसमें भी डालो उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है, वो भी करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहता है चुपचाप नाइट्रेशन कर, फालतू का काम नहीं करना। तो सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव आयोन और ये रिएक्शन थोड़ी फैसिलिटेट हो जाती है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो ये आ जाएगा आपका SO3H ऑर्थो पे और पैरा पे। जब मैं ये लिखती हूं ना, इसका मतलब है सेम बनाना है, बस इसको नीचे ले आना है। इसका नेम है 2-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H की प्रेफरेंस Cl से ज्यादा होती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एशन का मतलब प्रोसेस होता है, एल्काइल की एंट्री होगी, तो हम लेंगे क्या CH3Cl प्लस AlCl3। AlCl3 क्या करेगा? वही हाइड्रोजन को भगा के ले जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इसके ऊपर आएगा, ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। इस कैटेगरी में लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइल का मतलब एल्काइल होता है, एसाइल का मतलब होता है ये CH3COCl प्लस AlCl3, ये वाला ग्रुप विल मेक एन एंट्री, तो ये क्लोरो आ गया, CO CH3 प्लस पैरा वाला। आपको पता है इसको प्रेफरेंस देते हैं और इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। 2-chloroacetophenone इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2-chloroacetophenone। ए स्मॉल हो जाएगा बिकॉज ओनली फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल। जस्ट आई हैव टोल्ड यू व्हेन बेंजीन इज अटैच्ड टू COCH3 वी कॉल इट एसिटोफिनोन। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, राइट? अच्छा, अब हमने सोचा चल ट्राई तो करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन में एक्वस KOH डाल दिया। इसने तो साफ इनकार कर दिया, भाई मैं तो ये बॉन्ड तोड़ूंगा नहीं। हमने कहा कोई नहीं, हमने भी कसम खा रखी तेरा बॉन्ड तोड़ना है। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड KOH लिया और साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर दे दिया
और हम लोगों ने 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे दिया। अब इतनी ड्रास्टिक कंडीशन में तो ये बॉन्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और इसने तोड़ दिया और तोड़ के बना दिया ओके। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की, यानी कि एसिड वाला वाटर डाल दो तो के की जगह एच आ जाएगा और यहाँ पे फिनोल बन गया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डोज प्रोसेस, राइट। हमने एक बात और नोटिस करी, अगर हम क्लोरोबेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दें ऑर्थो पे और पैरा पे, चाहो तो एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो, जितने ज्यादा लगाओगे ये उस बॉन्ड को उतनी जल्दी तोड़ देगा। तो ये क्यों तोड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ना मतलब नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीनेगा, सीएल को भगा देगा। आपको पता है इस रिएक्शन में KOH डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, ये वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, देखा NO2 का कमाल। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि नाइट्रो ने क्या किया, नाइट्रो ने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ, ये बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया और लॉन्गर हो गया, अब जल्दी से टूट गया। सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन क्लोरोबेंजीन, देन इट विल डेफिनेटली शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इवन विद वाटर इट इज शोइंग, यू नो, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसका नाम है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ओके, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है इसकी, कि मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये, सेम जैसे हेलो एल्केन करता था, आप इसको बार बार देख सकते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स में सबसे पहले अगर हम क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम Cl को भगा के ले जाएगा और दो बेंजीन आपस में कंबाइन कर जाएंगे, इसको हम कहते हैं डाइफिनाइल, और इस रिएक्शन का नेम है फिटिग रिएक्शन, वी कॉल इट फिटिग रिएक्शन। उसमें वुड्स कहते थे, इसमें फिटिग कहते हैं। अच्छा, फिर वुड्स फिटिग क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो, वुड्स वाला भी ले आओ, फिटिग वाला भी ले आओ। सो यहाँ पे आपका +2NaCl बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने लेना है ड्राई ईथर, वेल, और अगर हम एक क्लोरोबेंजीन ले ले, एक हम CH3Cl, और सोडियम और ड्राई ईथर ले ले, तो हमें टॉलवीन मिलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का नेम है वुड्स फिटिक रिएक्शन, क्योंकि एक हमने वुड्स का ले लिया, एक हमने फिटिक का ले लिया। और उसके बाद है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, वही सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ये देखो, आप क्लोरोबेंजीन लो, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ले लो, देन यू विल गेट CmGCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और लिथियम के साथ भी सेम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अलमैन रिएक्शन, अलमैन रिएक्शन कॉपर के साथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आयडोबेंजीन लेते हैं और कॉपर, तो आपको बाइफिनाइल मिलेगा, दो बेंजीन आपस में कंबाइन कर जाएंगे। गोला लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात होती है, डाइफिनाइल प्लस CuI2 हो जाएगा, राइट। ये थी रिएक्शंस विद मेटल्स ऑफ एडाइल हैलाइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो तो करता है बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। और अगली है रिएक्शन विद मेटल्स। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हेलोजन कंटेनिंग्स, जैसे कि पहले है CH2Cl2, इसे हम कहते हैं मिथाइलीडीन
क्लोराइड. आपको पता है डीन का मतलब क्या होता है? डीन का मतलब है दो क्लोरीन है, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको. ये किसका काम करता है? इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर सोल्यूबल कर लेता है, तो इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट का काम करता है. दूसरा है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका पायरीन के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, और ये बहुत सारी रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट होता है. राइट, सो CCl4 का फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, और ये सॉल्वेंट का काम भी करता है. ठीक है, नेक्स्ट है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को का नाम सुनते ही याद आता है कि ये बेहोश करने के काम आते हैं. यस, इसको इनहेल करने से अनकॉन्शियस हो जाते हैं. तो क्लोरोफॉर्म बॉटल में रखा हुआ है, और ये सनलाइट और एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये एक पॉइजनस गैस बनाता है, फॉस्जीन. कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसे, फॉस्जीन गैस भी कहते हैं. इट्स हाईली पॉइजनस, इसको इनहेल कर लो तो डेथ हो जाती है. आपको पता है हिटलर ने इसी के चैम्बर बना रखे थे. जो हिटलर था ज्यूज को किल कर देता था, चैम्बर्स थे उसमें गैस छोड़ देता था ये फॉस्जीन, और वहां पे मास किलिंग करता था, मींस बहुत सारे लोगों को एक साथ मारता था. सो ये पॉइजनस होता है. तभी तो क्लोरोफॉर्म जिस बॉटल में रखा जाता है वो एक तो ब्राउन कलर की होनी चाहिए, और एक ऊपर तक भरा होना चाहिए अप टू ब्रिम, जिससे क्या होता है एयर और लाइट के ये कॉन्टैक्ट में ना आ सके. तो अप टू द ब्रिम भरा जाता है और ब्राउन कलर की बॉटल में. फिर भी हम क्लोरोफॉर्म की बॉटल में थोड़ा सा 0.6% इथेनॉल डाल देते हैं. ये इथेनॉल क्या करता है? फॉस्जीन को बनने से तो नहीं रोकता, बट उसके साथ रिएक्शन करके उसको इनएक्टिवेट कर देता है. ये देखो, क्लोरोफॉर्म की बॉटल में 0.6% इथेनॉल इज एडेड सो एज टू कन्वर्ट COCl2 टू नॉन पॉइजनस मटीरियल. ये देखो, COCl2 को ये कन्वर्ट कर देता है C2H5 होल ट्वाइस CO, डाई इथाइल कार्बोनेट बना देता है ये, डाई इथाइल कार्बोनेट, जो कि लेस पॉइजनस, क्या नॉन पॉइजनस होता है, लेस पॉइजनस नहीं होता, नॉन पॉइजनस होता है. सो क्लोरोफॉर्म इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड लाइट, इट मेक्स COCl2 अ पॉइजनस गैस, एंड बेसिकली इट इज बींग यूज एज एनेस्थेटिक. ये बेहोश करने के काम आता है, एनेस्थेटिक, बट इट इज नो मोर बींग यूज दीज डेज. इसको हम यूज नहीं करते अब, तो बहुत ईथर्स आ गए हैं, हेलोथेन्स आ गए हैं, इससे अच्छे हैं एनेस्थेटिक्स, हम इसको अब यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? अगर क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा इनहेल कर लो तो ये लिवर में जाके फॉस्जीन बना देता है, तो बंदे की डेथ भी हो सकती है. सो इट इज नो मोर बींग यूज एज एनेस्थेटिक्स दीज डेज. वेल, क्लोरोफॉर्म के इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? सी, दिस इज क्लोरोफॉर्म. इस क्लोरोफॉर्म में अगर आप ऐसी टोन डाल देते हो, इसको हम ऐसी टोन कहते हैं, एच अपने आप लगा लेना, 3H 3H, प्रोपेनोन भी कहते हैं. क्या होगा? ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ओ को एच मिल जाएगा और CCl3 यहां आ जाएगा, और इसका नेम है क्लोरीटोन. राइट, क्लोरीटोन है, और ये होता है हिप्नोटिक. हिप्नोटिक का मतलब है इसको सूंघने से नींद आती है, इनहेल कर लो तो नशा आता है. अगर हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, HNO3 के साथ, तो ये H हट जाएगा, इसकी जगह पे NO2 आ जाएगा, CCl3NO2, और इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, और ये टीयर गैस का काम करता है, टीयर गैस. राइट, क्लोरोपिक्रिन. और इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? अगर हम इसमें सिल्वर का पाउडर डाल देते हैं तो एसिटाइलीन बन जाता है. ओके, और अगर हम क्लोरोफॉर्म में फिनोल डाल दें, राइट, और प्लस NaOH डाल दें, अब क्या होगा? यू नो दिस इज डैम इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन का नेम है रीमर टाइमैन रिएक्शन, और आपको मिलेगा यहाँ पे OH का ONa हो जाएगा, ये सोडियम है ना, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CHO, और इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, का मतलब है एसिड्यूलेटेड वाटर वी हैव टू ऐड,
जो Na है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय H, तो आपको मिलेगा OH एंड CHO, इसका नेम है सैलिसाइलैल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म में एसीटोन डालो तो नींद आ जाएगी, नाइट्रिक एसिड डालो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, सिल्वर का पाउडर डालेंगे तो एसिटाइलीन बनेगा, फिनोल को क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे तो सैलिसाइलैल्डिहाइड बनेगा और नाम है रीमा डायमंड रिएक्शन। याद कर सकते हो रीमा को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो। नेक्स्ट रिएक्शन है अगर हम क्लोरोफॉर्म में एनिलीन डाल दें, एनिलीन होता है बेंजीन एमीन, और प्लस हम CCl4 डाल दें तो मींस वो जस्ट डिसॉल्व करने के काम आता है, और KOH डाल दें तो आपको मिलेगा C। N तो यहीं का यहीं रहेगा, ये H की जगह पे एक कार्बन आ जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोसायनाइड, ये होता है फिनाइल, इसका नेम है फिनाइल आइसोसायनाइड। आपको पता है NC को कार्बोनिल भी कहते हैं, तो इट इज फिनाइल आइसोसायनाइड, और आइसोसायनाइड को कार्बाइल अमीन भी कहते हैं, कार्बाइल अमीन नॉट फॉसजीन, कार्बाइल एमीन, इसे कार्बाइल अमीन रिएक्शन का नाम भी दिया गया, और इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, यानी कि वेरी ऑफेंसिव स्मेल। CH2Cl2 सॉल्वेंट का काम करता है, क्लोरोफॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड अंडर द नेम पायरीन, पायरीन के नाम से इट इज बीइंग सोल्ड, और क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक का काम करता है। इसका जो नेक्स्ट हेलोजन कंपाउंड है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड आयोडोफॉर्म। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरो होगा फ्लोरो होगा, CCl2F2, इनको बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, नो हाइड्रोजन इज देयर, इनको हम फ्रियोन्स भी कहते हैं, राइट? इसका नेम है फ्रियोन 12, वन स्टैंड्स फॉर कार्बन, टू स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, अंडरस्टूड है, बाकी के बचे हुए क्लोरीन होंगे। ये क्या करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको जहां भी डालोगे ना वहां से हीट लेके और उड़ जाते हैं, तो ये उस चीज को कूल कर देते हैं, तो ये किसका काम करते हैं, रेफ्रिजरेंट का काम करते हैं। बट इनकी एक बेकार सी बात है, ये पता है आपको, उसमें भी होते हैं डीओज में जो प्रोपेलेंट का काम करते हैं, गैस वाला जो कहते हैं ना गैस वाला डीओ, वो गैस यही होती है बेसिकली, तो ये रेफ्रिजरेंट का भी काम करते हैं। इनका एक ड्रॉबैक है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, दे डिप्लीट ओजोन लेयर, राइट? ओके, नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है CHI3, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, क्यों? बिकॉज स्किन के कॉन्टैक्ट में आते ही आयोडीन रिलीज करता है। मान लो यहां पे होंड है, कोई घाव है, तो मैंने आयोडोफॉर्म लगा दिया, तो आयोडोफॉर्म स्किन के कॉन्टैक्ट में आती, आयोडीन रिलीज करता है, आयोडीन जर्म्स को किल कर देता है, बट इसकी बैड स्मेल होने की वजह से हम इसको आजकल यूज नहीं करते एज एंटीसेप्टिक। ओके, एक आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इस पूरी दुनिया में कोई भी कंपाउंड जिसमें COH के बाजू में मिथाइल लगा हो, इधर कुछ भी लगाओ, या फिर कहीं पे आप ये वाला ग्रुप देख लो, जिस भी कंपाउंड में ये चीज होगा ना, CO के बाजू में मिथाइल होगा या COH के बाजू में मिथाइल होगा, आप इसमें NaOH और आयोडीन डाल दो, और कभी कभी तो एरो के ऊपर NaOI लिखा होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये लिखा हो तो होगा क्या कि CH3 यहां से तोड़ के इसका आयोडो फॉर्म बना देगा, यानी कि येलो पीपीटीज ऑफ आयोडो फॉर्म, और जो ये है ना जो भी लगा होगा उसके साथ एक ओ दे देगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम कहते हैं आयोडो फॉर्म टेस्ट, और आयोडो फॉर्म एंटीसेप्टिक का काम करता है। उसके बाद है DDT। DDT की फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाई फिनाइल
ट्राइक्लोरोइथेन। बनता कैसे है? CCl3CHO, इसे हम कहते हैं क्लोरल। CHO का मतलब होता है, ये देखो डबल बॉन्ड होता है, मैंने जरा ओपन कर दिया। प्लस इसमें डाल दो दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के, डाल दिए। ये डबल बॉन्ड हो है ना, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो यहां से एक एच गायब हो जाएगा, एक एच इसका एक एच दूसरे का, ओ के साथ मिलके वाटर बना के इसको सल्फ्यूरिक एसिड अब्सॉर्ब कर जाएगा। कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दो, अब होगा क्या, CCl3CH, ये देखो ओ को मैंने ओपन कर दिया, यहां से जुड़ जाएगा, बन गया DDT आपका। ओके, लेकिन इसका नाम ये ठीक नहीं है, इसका IUPAC नेम है 2 पे 4 क्लोरोफिनाइल लगा है, तो इसका नाम है 2-2-bis-4-phenyl-4-chloro-phenyl-1-1-1-tri-chloro-ethane। This is the correct IUPAC name of DDT. और DDT किसका काम करता है? ये इंसेक्टिसाइड है, लेकिन आजकल हम इसे भी यूज नहीं करते, बिकॉज ये हमारे बॉडी में जब चला जाता है कैसे जाएगा? सपोज हम अगर हम रोड पे यूज करें इंसेक्ट को किल करने के लिए, फाइनली वाटर बॉडी में जाएगा, वाटर फिर वही हमारे घरों में आ जाएगा, हम पियेंगे तो हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स हैं उसमें ये डिजॉल्व चला जाता है, बैठ जाता है। हर एक के बॉडी में ऐसा माना जाता है 13 PPM है। सो जो DDT है वो हम उसको ज्यादा आजकल इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज नहीं करते, बिकॉज ये हमारे फैट्स में डिपॉजिट हो जाता है जाके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। देखो मैंने इतना बड़ा चैप्टर 3 volume में खत्म कर दिया, और यू बिलीव मी कि ऑर्गेनिक में यू तो बहुत वास्ट एरिया होता है, ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था पहले लेक्चर में, पहले आपको ना चैप्टर का कंटेंट पता होना चाहिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन लाओ वो इसके अलावा होगा तो उसको नीचे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप अपने घर में बुक्स पढ़ोगे इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद, जो क्वेश्चन आप नया पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ इसमें ये बात डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके वो नीचे लिख दो। तो बेसिकली क्या होता है, चैप्टर को हमेशा ना पहले प्रिसाइज करके पढ़ना चाहिए, ज्यादा इलेबोरेट करके मत पढ़ो। इफ्स एंड बट्स हमेशा बाद में लगाते हैं, राइट? तो जितना मैंने कराया है, अगर आपको ये लर्न हो जाए ना मेरा लेक्चर, आप बार बार देखिए 3 volumes को, पूरा लेक्चर लर्न करने के बाद आप कोई भी बुक उठाइए उसके क्वेश्चन कीजिए, चाहे आपने कोई भी मॉड्यूल्स उठाइए, आपके 80% तो ऐसा सॉल्व हो जाएंगे, बाकी बचे 20% या हो सकता है 90% भी हो सकते हैं, 95% भी हो सकते हैं, जो थोड़ा बहुत बचेगा अपनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से उसको नोट करो और अपना यूज कर लो। आई एम ऑन इंस्टा ऑल्सो, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी देयर, और नीचे कमेंट्स में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और अपना ईमेल आईडी दे देना तो मैं आपको वहां भी आंसर दे सकती हूँ, ठीक है? सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर से बाहर मत निकलिए। आपको पता है कि आजकल हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, और अपना ध्यान रखो अच्छे से, अच्छा खाना पीना है, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, इम्यून रहो और पढ़ते रहो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।